मंगलवार को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया, जिसमें लोगों को तंबाकू के सेवन से होने वाली बीमारियों की जानकारी देने के लिए इंडियन डेंटल एसोसिएशन द्वारा सीतापुर आई हॉस्पिटल से जागरूकता रैली निकाली गई, जिसके संबंध में एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह ने बताया कि तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर इंडियन डेंटल एसोसिएशन के संगठन एवं डॉक्टर द्वारा तंबाकू जागरूकता रैली निकाली गई। रैली के माध्यम से लोगों में संदेश दिया गया कि लोग तंबाकू का सेवन न करें, क्योंकि तंबाकू से कैंसर सहित अन्य बीमारियां होती हैं। कैंसर होने के बाद लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और तंबाकू के सेवन से अपने आप की और परिवार की क्षति होती है। कैंसर के इलाज के लिए परिवार वालों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह ने कहा, चली जाती है जान, नशे की जिसने डाली है आदत, मौत मिली है उसको दावत, सबको जागरूक बनाना है, देश के नशे को दूर भगाना है। तंबाकू करते हैं नुकसान, इनको खाने से चली जाती है जान, नशे की जिसने डाली है आदत, मौत मिली है उसको दावत, सबको जागरूक बनाना है, देश के नशे को दूर भगाना है। हर किसी से बच के रहना, तंबाकू से हमेशा दूर रहना। डेंटल एसोसिएशन के डॉक्टर साहब लोग आए थे कल और उन्होंने एक परमिशन भी ली थी हमसे। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस है, उसके उपलक्ष्य में विभिन्न संगठनों के लोग और हमारे सम्मानित चिकित्सक बंधुओं के द्वारा एक रैली निकाली गई थी, और इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि लोगों को तंबाकू के बारे में जागरूक किया जाए, कि उसका सेवन ना करें, क्योंकि तंबाकू से सभी लोग जानते हैं कि कैंसर की बीमारी या अन्य बीमारियाँ होती हैं, उससे बाद में जब बीमारी हो जाती है तो परिवार के लोगों को परेशान होना पड़ता है, इलाज के लिए परेशान होना पड़ता है, और एक परिवार तंबाकू के सेवन का जो दुरुपयोग होता है, उसका दुष्प्रभाव होता है, उससे जो परिवार पर बाद में आर्थिक क्षति और उसके परिवार में क्षति होती है, उससे जागरूक करने के लिए आज रैली निकाली गई।